उस नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिहान कुमार राम। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जिंको सुदाची और कीवा दाची को मिक्स करेंगे। मींस पहले हमने आपको भेजा दिखाया है, वन स्टेप करके हम लोग कर रहे थे, अभी दो स्टेप एक साथ में मिक्स करेंगे। इसके साथ में टेक्निक भी बहुत सारा आएगा, तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है। टेक्निक आए या ना आए, स्टांस प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता ही है, पहले मैंने वीडियो में बताया भी है, फिर भी आज बता देता हूं। जितना भी किक हो, पंच हो, कॉम्बिनेशन हो, काता हो, हर एक चीज में अगर आप बेसिक वाला जो स्टांस प्रैक्टिस प्रॉपर रेगुलर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वरना सब ऐसे रहेगा। जो रेगुलर प्रैक्टिस करेगा, अगर मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं तो मेरा खराब है, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका खराब होगा, आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या करना है, देखिए यहां से हम लोग ये जिंको सुदाची में बैठ गए। अभी हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम इसी हाइट में हैं, अप डाउन ना हो। अगर मैं अप डाउन हो रहा हूं तो मैं गलत हूं, तो आपको अप डाउन नहीं होना है। तो अभी हमको क्या करना है, दो स्टांस एक साथ मिक्स करना है। कैसे, ऐसे हैं, वन ये आया, यहां से हम लोग ऐसे किए, ये हो गया। इसके बाद हम लोग को यहीं से ये पैर फ्रंट लेग इधर शिफ्ट करेंगे, ये आ गए, फिर से फ्रंट लेग शिफ्ट होगा, ये आ गए। तो क्या करना है, ऐसे सीधा पहले गए, बैकबोन स्ट्रेट करने का ट्राई करेंगे, अगर स्ट्रेट हो जाता है तो अच्छा है, और एक हाइट में जाते हैं तो और बेहतर होगा। फिर यहां से ये आए, फिर यहां से ये आए, इसके बाद हम लोग गए ये, फिर ये, फिर यहां से ये, फिर ये, ऐसे ही टर्न करेंगे। अभी देख लीजिए क्या करना है हमें, वन टू एंड थ्री फोर, वन टू थ्री एंड फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री एंड फोर। ऐसे आपको इस चीज का सेट बनाना है। ये अभी हम लोगों ने किया, इसको आपको कम से कम 50 टाइम्स, अगर आप न्यू हैं तो कम से कम 50, और जब आप रेगुलर करते रहेंगे तो 100-200, सब आपके स्ट्रेंथ और स्टैमिना के ऊपर में डिपेंड करता है कि आपको कितना करना है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ ये जिंको सुदाची या कीवा दाची अगर इसको हमको करने से सिर्फ हमारा स्टांस अच्छा होगा या काता अच्छा होगा, जी नहीं, आपका पैर भी बहुत मजबूत होता है, लोअर बॉडी बहुत जबरदस्त स्ट्रांग होता है, बस आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको डॉक्टर पर या योगा के टीचर पर या किसी टीचर पर अगर भरोसा नहीं है तो आप उसका कितना भी अच्छा सिखा दे, आप वो अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। आपको भरोसा भी करना पड़ेगा अच्छे से और प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा अच्छे से, यहां से नहीं। ठीक है, अभी नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट में हमारा काम क्या रहेगा, ऐसे हम स्टार्ट करेंगे कीवा दाची से, ये स्टांस है। यहां से पहले हम लोग क्या कर रहे थे, जिंको सुदाची कीवा दाची जिंको सुदाची, अभी हम लोग करेंगे कीवा दाची जिंको सुदाची कीवा दाची। कैसे करेंगे, ये है यहां से, वन टू थ्री फोर, 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 वन टू थ्री फोर,
वन टू थ्री फोर। इसको भी आपको वैसे ही तीन सेट चार सेट या फिर एक सबसे अच्छा होगा काउंट करके करें 50 नॉर्मल, और ज्यादा हो जाता है तो आपका 100-200 जितना आपका एनर्जी रहता है। यहां से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे ही अब इधर करेंगे, रेडी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी हम लोग पहले से ही पहले जिंगस्वाची में बैठे थे, अभी हम लोग कोकोसुदाची में बैठेंगे पहले और फिर जिंगस्वाची वाला करेंगे। यहां से पहले कोकोसुदाची, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे ही आपको पता ही है कितना करना है 50 से 100 तक। तो दोस्तों इससे आपको फायदा भी मैंने बता दिया है, लोअर बॉडी स्ट्रांग होगा, आपका किक स्ट्रांग होगा, थाई बहुत ज्यादा, आप 10 करके देखना ना पता चल जाएगा थाई का क्या पोजीशन होता है, पैर का ग्रिप अच्छा होता है, लिगामेंट स्ट्रांग होता है, तो बहुत सारे इसमें फायदे हैं। तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, कोशिश करो कि रेगुलर इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आज के लिए इतना ही, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, चाचा।